गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. टुडे वी विल रीड अवर एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बुक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन. आज हम मैथ्स की बुक का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन. आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता है, हमने थर्ड क्लास में सीखा था, आज हम उसकी रिविजन करते हैं. एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई. ए, 135 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 135 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से. तो हमने यहाँ पे 4 का टेबल रीड करना है, तो 4 का टेबल 5 तक रीड करेंगे, देन 4 का टेबल 3 तक रीड करेंगे, या 4 का टेबल 1 तक रीड करेंगे. तो 4 का टेबल 5 तक रीड करेंगे. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20. तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा कैरी, 0 नीचे. आगे 4 का टेबल 3 तक रीड करना है. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12. 12 में हम 2 कैरी ऐड करेंगे, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 नीचे आ जाएगा. 4 के टेबल हम 1 तक रीड करेंगे, 4 वन ज़ा 4, 1 हमारा कैरी था, 4 प्लस 1 5. तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने सेकंड क्लास में भी की है, थर्ड क्लास में भी की है, आज ये रिवीजन कर रहे हैं हम. सेकंड सम भी ऐसा ही है, 3 के टेबल 2 तक रीड करेंगे, 3 टू ज़ा 6, 3 का टेबल 5 तक रीड करेंगे, 15, 3 फाइव ज़ा 15 या 5 थ्री ज़ा 15. 3 का टेबल 4 तक रीड करेंगे, 12, 4 का टेबल 3 तक रीड करेंगे, तब भी 12 आता है, और 1 कैरी है, 13. आगे आपके सी डी ई आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर ए, लास्ट ईयर आपने थर्ड क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की. उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अगर किसी की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, वो नंबर इट्सेल्फ, मतलब अपने आप ही वो जो प्रोडक्ट होता है, हमारा जो आंसर होता है, वो इट्सेल्फ, मतलब अपने आप ही सेम रिपीट हो जाता है. तो ए में हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 725 मल्टीप्लाई 1. तो हम किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो वो नंबर इट्सेल्फ, मतलब जो नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा सेम आ जाता है. 1 की मल्टीप्लाई जिससे करते हैं, वो हमारा रिपीट हो जाता है. आगे बी, 245 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्लैंक दिए, इक्वल टू 0. इसमें क्या बोला है कि हमारा जो आंसर है वो 0, किसके साथ हम 245 की मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 0 आ जाए. तो ये प्रॉपर्टी भी हमने रीड की थी थर्ड क्लास में, 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो भी 0 ही आता है. तो 245 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं, तो हमारा आंसर 0 आता है. ठीक है, 245 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. आगे थर्ड सी, 425 मल्टीप्लाई 1375 इक्वल, ये दो डिजिट दिए मल्टीप्लाई में, इक्वल का साइन दिए, 1375 मल्टीप्लाई ब्लैंक. तो ये प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या बताया, अगर हम 425 की मल्टीप्लाई 1375 से करते हैं, जो आंसर आता है वो भी सेम होता है. अगर हम 1375 की मल्टीप्लाई 425 से करेंगे, तब भी हमारा आंसर सेम आता है. इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 थ्री ज़ा भी 6 होते हैं और 3 टू ज़ा भी 6 होते हैं. ये प्रॉपर्टी ये है, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब भी 6 आएगा. ये प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें देखो 425 की मल्टीप्लाई हमने 1375 से की, और वो किसके इक्वल है, 1375 मल्टीप्लाई 425. आगे डी क्वेश्चन है, ब्लैंक दिए, मल्टीप्लाई किए 1000 से, इक्वल है 1000 मल्टीप्लाई 999. ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी है. इसमें क्या बोला है, 1000 मल्टीप्लाई 999, हम यहाँ पे किससे करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई, 999 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 999, तो आंसर हमारा हमेशा इक्वल आता है. आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, जो हमारा आंसर होता है वो होता है प्रोडक्ट. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा क्या होता है 4, तो 4 क्या होता है, प्रोडक्ट. इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ऐसे ही एडिशन में 2 डिजिट को ऐड करते जो उनका आंसर होता है उसे हम सम बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है,
जो दो डिजिट हम माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई चैप्टर कर रहे हैं तो हमारे पास बार बार आएगा प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट निकालो, आंसर निकालो। कैसे दिया है क्वेश्चन नंबर वन, 59 मल्टीप्लाई 300 33, 59 मल्टीप्लाई 33, ये हम नोटबुक में करेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 59 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 33 से। तो हम करेंगे शुरू, ये अब टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, इससे पहले हमने वन डिजिट की थी। तो थ्री का टेबल पहले 9 तक रीड करेंगे, फिर थ्री का टेबल 5 तक रीड करेंगे। 3 9 सा कितना होता है 22/7, 3 9 से कितने होते हैं 27, 2 कैरी 7 नीचे। अब 3 का टेबल 5 तक रीड करेंगे। अभी हम फर्स्ट नंबर ही लेंगे, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, आप सभी को आता है मल्टीप्लाई टू डिजिट का करना। फिर देन सेकंड डिजिट का करेंगे क्रॉस लगा के। अब 3 का टेबल 5 तक रीड करेंगे, आएगा 15 और 2 कैरी है तो 17। तो ये अभी हमारा आंसर आया है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम सेकंड डिजिट 3 देखेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से। उससे पहले हम यहाँ पे सेकंड लाइन में क्रॉस लगाते हैं। तो 3 9 से कितने होते हैं 27, आप सभी को पता है 3 का टेबल आता है तो 2 कैरी है। 3 का टेबल 5 तक रीड करेंगे, 15 आएगा, 2 हमारा कैरी था तो 17 आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस, 7 के नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस है तो एज इट इज 7 आ जाएगा। 7 + 7 = 14, 1 कैरी, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, 1 का 1, यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं है ना कैरी है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया है, प्रोडक्ट क्या आया, 1947, 59 मल्टीप्लाई 33 करके तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है 1947। सेकंड आपको आता है वन डिजिट मल्टीप्लाई, ये भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये आपने अपने आप सॉल्व करना है नोटबुक में। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर सेल अ पॉट फॉर रुपीज 1335, एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने पॉट बेचा है कितने रुपीज का, 1335 का। हाउ मच विल ही गेट ऑन सेलिंग फॉर सच पॉट, कितने पैसे वो उसको मिलेंगे जब वो 4 पॉट बेचेगा, फॉर सच पॉट्स, 4 पॉट। अब हम इसे नोटबुक में करते हैं, क्वेश्चन सेम है, हमने क्वेश्चन लिख लिए, आगे आंसर क्या होगा। जो शॉपकीपर था उसने 1 पॉट कितने का सेल किया था, 1335, और कितने पूछ रहे हैं कि 4 पॉट सेल करेगा तो कितने पैसे होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के सम्स में हमें ये ध्यान देना होता है कि जब प्रॉब्लम सम आता है उसमें हमेशा हमें 1 का प्राइस दिया होता है। देखो, 1 पॉट को सेल किया तो उसका प्राइस दिया है, और हमसे पूछा होता है कि अगर 4 या 5 या 6 जितने भी उन्होंने बोला होता है वो बेचेंगे तो कितना आएंगे पैसे। तो 1 की वैल्यू हमें दी होती है और हमसे ज़्यादा की वैल्यू पूछी होती है, तो हम उसमें हमेशा मल्टीप्लीकाई करते हैं। तो अब हम आंसर शुरू करते हैं, शॉपकीपर सेल 1 पॉट, 1 पॉट कितने का सेल किया, रुपीज़ 1335, ठीक है। शॉपकीपर ने सेल किया 1 पॉट कितने रुपीज़ का, 1335। सेकंड लाइन में हम लिखेंगे, ही सेल 4 सच पॉट, उसने 4 ऐसे पॉट बेचने हैं तो कितने का बेचेगा, तो 1335 1 की कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। एक पॉट की कॉस्ट हमें बताई है, 4 की हमने निकालनी है तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको मल्टीप्लाई आती है, 4 के टेबल 5 तक रीड करेंगे, 5 4 20, 4 3 12, 12 2 14, 1 ऊपर 4 नीचे, 4 3 12, 12 1 13, और 1 4, 1 carry 5। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई है, कितने मनी मिलेगी उसे, 5340। अगर वो 4 पोर्ट बेचेगा तो उसको पास उसके पास कितने पैसे आएंगे, 5340। 1 की कॉस्ट क्या थी, 1335, और हमने 4 की निकालनी थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो हमारा आंसर आ गया 5340 रुपीज। आगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डीवीडी कॉस्ट रुपीज 399, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ टोटल 25 सच डीवीडीज, एक डीवीडी की कॉस्ट है 399, एक डीवीडी की कॉस्ट क्या है 399, उन्होंने पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ 25 डीवीडीज की कितनी कॉस्ट है। तो यही बात होगी, 1 के पैसे हमें बताए हैं, हमने 25 की निकालने हैं। तो अब डीवीडी कॉस्ट, डीवीडी की कॉस्ट क्या थी, 399,
कॉस्ट ऑफ 25 डिविडीज, 25 डिविडीज की कॉस्ट क्या होगी, 399 मल्टीप्लाई 25, 399 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे क्योंकि हमसे पूछा 29, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी इन्हें मल्टीप्लाई करके, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 9975। तो कितनी डीवीडीज, कितने की आएगी डीवीडीज, 9975। हमें फ़न की कॉस्ट दी हुई थी 399, एक आया था 399, 25 कितने की आई, 9975 की, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया वन के साथ, वन वाली कॉस्ट के साथ। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1 मल्टीप्लिकेशन चैप्टर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।